प्रथम तहलका न्यूज। शिव भक्तों को हरिद्वार प्रशासन एक अनोखी सौगात देने जा रहा है। बता दें कि शिव भक्तों को घर बैठे ही माँ गंगा का पवित्र जल मिल पाएगा, जिससे कि वे सावन के महीने में शिव जी का जलाभिषेक कर पाएंगे। बता दें कि उत्तराखंड प्रशासन और सरकार के द्वारा भक्तों के लिए ये खास व्यवस्था की गई है। दरअसल डाक विभाग के जरिए गंगा जल को पड़ोसी राज्यों को सप्लाई करने पर विचार किया जा रहा है। जिलाधिकारी की अगर माने तो बीते साल की ही तरह इस साल भी हरिद्वार से गंगा जल टैंकर में भरकर विभिन्न स्थानों और पड़ोसी राज्यों के लिए बॉर्डर पर भेजा जाएगा। बता दें कि कोरोना के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने इस बार भी कावड़ यात्रा को स्थगित कर दिया है। किसी भी कावड़िए को हरिद्वार की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। 2020 में भी इसी प्रकार का कार्य हुआ था, तो इसलिए हमें इसमें पूर्वानुभव है। इसमें साथ साथ जो है जितना जो लोगों जो गंगा जल लेना चाहेंगे उसके लिए भी जो है व्यवस्था करने के लिए हम लोग जो है इस बार प्रयास करेंगे। इसमें जो टैंकरों के माध्यम से भी जो है जल गंगा जल जो है विभिन्न जनपदों को जो है उनका मांग के अनुसार भेजने का विचार कर रहे हैं, ताकि जो है धार्मिक भावनाओं का भी जो है पूर्ण जो है वो फायदा हो सकता है। और दूसरी बात, जो पोस्ट ऑफिस है उसके माध्यम से भी जो है गंगा जल का बिक्री का जो है ऑलरेडी जो प्रक्रियाएं चलती है वो भी जो है एक हमारे लिए जो है एक बेनिफिट देगा। सर, लेकिन यूपी में चूंकि कावड़ मेला मनाया करा जा रहा है, वहाँ से यात्री आते हैं, शिव भक्त आते हैं, तो उनको कैसे रोकेंगे? जैसे मैंने कहा था कि जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है उन सभी से जो है हम लोग समन्वय कर रहे हैं, सभी डीएम से एसएसपी से अनुरोध कर रहे हैं, और यहाँ का जो गंगा जल है वहाँ पे विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वहाँ टैंकर के माध्यम से वहाँ पहुँचाने का। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि हरिद्वार महाकुंभ में हुए कोरोना घोटाले को लेकर जो जांच गठित की गई थी उसकी भी जांच लगभग पूरी कर ली गई है। मिली जानकारी के मुताबिक कुंभ मेले के दौरान आरोपी नालवा लैब के द्वारा लगभग 1 लाख से अधिक कोरोना के फर्जी टेस्ट रिपोर्ट पाए गए थे, जिस पर जाँच कमेटी बनाई गयी थी। डेटा जो है हम लोगों ने किसी जगह से जो है प्राप्त करना था वो पूरा डेटा जो है अभी प्राप्त भी हो गया है पिछले 2 दिन पहले, इसलिए जो है बहुत जल्दी जो है हम इसको समापन करके वेरिफिकेशन भी एक हो रहा था फोन नंबर्स का। हाँ, वही वो बड़ा लंबा सूची था, उसमें जो है वेरिफिकेशन में ही सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा था। उसमें प्रतिदिन जो है हम लोग 2000 से 2500 कॉल्स जो है हमारा कंट्रोल रूम्स के माध्यम से कर पा रहे थे, इसलिए भी जो है काफ़ी टाइम लग रहा था, बट अभी एक काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है, बहुत जल्दी जो है इसको समापन करने का प्रयास। सर, जो कोरोना टेस्टिंग को लेकर सर जो मेला स्वास्थ्य जांच कर रहा था उसको लेकर क्या आदेश हुआ था? एक्चुअली ये ऑलरेडी इंक्वायरी जो है यहाँ पे राज्य सरकार के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब सौंपा गया है तो उसका जांच कमेटी यहाँ गठित करा करके हम इंक्वायरी कर रहे हैं, तो कोई पैरेलली कोई और इंक्वायरी करने का कोई औचित्य इसमें नहीं है, तो इसका डायरेक्शन दिया। अब तक कितने फोन नंबर्स की वेरिफिकेशन हो चुकी है? मोर देन 65,000 के आसपास जो है हो चुका है। उसमें जो है कई सारा चीज़ जो है कॉल उठाते नहीं है, या जो है कॉल जो है फ़ोन नंबर नॉट एक्जिस्टिंग आता है, इस प्रकार का इश्यूज है। तो जो रिमेनिंग जो कॉल्स है जिसमें कॉल नहीं हो पा रहा है उसको जो है इसी हफ्ते के भीतर जो है कोशिश करेंगे कि उसका निर्णय लेकर के फाइनल करें। क्या माना जाएगी, क्योंकि एक बार समय बढ़ाया जा चुका है सबमिट करने का, रिपोर्ट सबमिट करने का, क्या माना जाए कब तक रिपोर्ट सबमिट होने की संभावना है? अभी एक निर्धारित समय से करने के साथ साथ जो है उसमें ढंग से जो है प्रॉपरली वो इंक्वायरी को पूरा करना सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए जो है हम लोग उसका जितना उचित टाइम जिसके लिए आवश्यकता है उतना टाइम ले रहे हैं, बट बहुत जल्दी जो है इसका समापन करने का प्रयास माना जाए। बता दें कि बीते साल भी कोरोना के चलते कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया था, उस समय भी राज्य की सरकार ने कुछ ऐसे ही इंतजाम किए थे, तो वहीं अब इस साल भी कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी गई है, जबकि इस बार भी बीते साल की ही तर्ज पर गंगा जल को शिव भक्तों को घर बैठे ही मिल जाएगा। प्रथम तहलका के लिए हरिद्वार से जहांगीर मलिक की रिपोर्ट।